उत्तराखंड में नशे का कारोबार किस कदर चल रहा है कि अब नाबालिग बच्चे भी नशा बेच रहे हैं। राजधानी देहरादून पूरे देश के बच्चे आते हैं, कोई शिक्षा के लिए तो कोई जॉब करने के लिए, जिसमें से कई नशे की लत के आदि भी हो जाते हैं, जिस कारण यहां नशे का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। देहरादून शहर के बिंदाल पुल के पास बाल आयोग ने छापा मारते हुए एक नाबालिग लड़की के पास से नशीले पदार्थ से भरे पैकेट बरामद किए। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर नाबालिग को हिरासत में लेते हुए उसके माता पिता से पूछताछ की। शहर कोतवाली शीशपाल सिंह नेगी ने एक नाबालिग को हिरासत में लेते हुए कहा कि इस संबंध में बच्चे के परिजनों से बातचीत की जाएगी। वहीं आयोग की अध्यक्षा ने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए अब जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। नहीं देखिए, ऐसा ना माल NDPS में या जो भी इस तरह का माल कोई बरामद होता है तो फिर जिसके घर में भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के माँ बापू से अभी तस्दीक करेंगे। अब ये बता रही है मेरी माँ कहीं पाए है, अब देखा होगा कितनी शातिर बच्ची है कि कह रही है कि मुझे पाया है, तो इनके घर वालों का भी बुलवाएंगे, पता करते हैं किसकी बेटी है क्या है, तो उसमें कार्रवाई करेंगे कि ये इस तरह का जो कार्रवाई हो रही है बच्चों के द्वारा वो ना हो। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।